राधे राधे जी, नमस्कार। रीटा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम घर पर बनाएंगे सूजी बोल्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमने 3 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं और हमने 1.5 कप सूजी का ले लिया है। सूजी ब्रीक हो या मोटी, रवा से भी बना सकते हो। अब हम पानी को अच्छी तरह गर्म करेंगे, उबाल देंगे। पानी में हम 1/2 चम्मच नमक का डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब इसको अच्छी तरह हम गर्म होने देंगे। अब ये हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हमने 1.5 कटोरी सूजी इसमें डाल दी है। पानी में अच्छी तरह मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करके हम इस पर कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमने 1 कढ़ाई में पानी चढ़ा लिया है, इसको हम स्टीम देंगे। अब इसमें छलनी लेके इतनी स्टीम बन जाएगी। इधर हमारा देखो ये कितना टाइट हो गया है, इसमें सारा पानी बिल्कुल ही सोक्त हो गया है। इसको हम अब हाथ से थोड़ा, अब हमने सारे सूजी को प्लेट में निकाल लिए। बिल्कुल ठंडी भी हो गई, थोड़ी सी हल्की हल्की नुआई है, ज़्यादा गर्म नहीं है ये। इसको हम अब थोड़ा सा रगड़ेंगे। बिल्कुल अच्छा बना है, बिल्कुल टाइट हो गया है। इसके अंदर कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, हमने अच्छी तरह मसल लिया है। अब हम हाथ पे ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। अच्छी तरह छोटी छोटी एक साइज में ही बनानी है बॉल। ऐसे करके हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब ये हमारी सारी बॉल्स बन गई है। उधर हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हम स्टीमर पर रखेंगे सारे बॉल्स को। हम इसको स्टीम देंगे, कम से कम 15 मिनट स्टीम देंगे। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा हल्का इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसको हम ढक देंगे, कम से कम 15 मिनट फुल आंच पर रखने हैं। देखो इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। ये अब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे, उसको गर्म होने देंगे। ये अब हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम 1 चम्मच राई का डालेंगे। राई को अच्छी तरह छिड़कने देंगे और 1/2 चम्मच जीरे का डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, इनको अच्छी तरह हम भून लेंगे। अब ये हमारा अच्छी तरह भून गया है। 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे,
और आधा चम्मच हम वाइट नमक डालेंगे। नमक हमने जब हल्का सा डाला था, आधा चम्मच हम हल्दी का डालेंगे। अब इसमें हम सब बॉल्स डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया है इसका। खाने में भी बिल्कुल हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे, नमस्कार।